हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग? राधे राधे, राम राम। मेरा चैनल पुष्पा गौड़ क्रिएटिव आइडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर से मैं एक वेस्ट मटेरियल से बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई लेकर आई हूँ, जो हर घर में आता है। साल में एक या दो बार तो जरूर आ जाता है। जिसके घर में छोटे बच्चे हो, उनके घर में तो अक्सर आते ही है, तो उस चीज को हम वेस्ट समझ कर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग फेंकेंगे नहीं, और उसका भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से यूज में लेकर डीआईवाई बना लेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने आज यूनिक सा डीआईवाई कौन सा बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आप लोग भी उसे देखकर जरूर बनाने का मन करेंगे और उस वेस्ट मटेरियल को आप नहीं फेंकेंगे बाहर, और देखेंगे कि ऐसी भी वेस्ट मटेरियल से हम कुछ नया सा बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग भी ये डीआईवाई बनाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमने हमारा डीआईवाई कैसे तैयार किया। आइए, ये देखिए दोस्तों, ये बर्थडे पे बच्चों के ये प्लास्टिक के गुब्बारे लाते हैं, इससे ही मैंने प्लांटर तैयार किया है। और एक ये कार्डबोर्ड का डिब्बा मेरे पास रखा था, जिसमें हम इसके नीचे दूसरे कार्डबोर्ड का सपोर्ट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ग्लू लगा के और तीन पीस हम और निकालेंगे, जो अंदर की साइड हमारे डिब्बे के अंदर हमने सपोर्ट लगाना है। दो हमने साइड में लगाना है और एक बीच में लगाना है। इस तरह से सपोर्ट लगाने से डिब्बा मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने तीनों साइड लगा दिया है। अब इसे हम ग्लू लगाकर इसको बंद कर देंगे। दबा के हमने बराबर कर लेना है, और फिर ऊपर मैंने डबल साइड टेप लगा के और इसको ऊपर खड़ा कर दिया है बैलून को, ताकि हम इसके ऊपर वर्क कर सकें। अब मैंने ग्लू में पानी मिला दिया है, और ये टिश्यू पेपर लिए हैं, इनको हमने दो दो हिस्से में काट लिया है, और बैलून के ऊपर हमने ग्लू लगा दिया है। और अब हम पूरे बैलून पे इस तरह से टिश्यू पेपर लगा देंगे, और ऊपर से ब्रश की सहायता से ग्लू और लगा देना है, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इस तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। अब हमें इसे सूखने के लिए रख दिया है। अब हमने क्या करना है, वाइट सीमेंट लेनी है और पानी डालकर एक हमें पेस्ट तैयार करना है, और उस पेस्ट को हमें इस तरह से पूरे बैलून पे, जो हमने इस पे टिश्यू पेपर लगाए थे, उसके ऊपर लगाकर और अंगुली को, हाथों को पानी से भिगोकर हमें स्मूथ कर लेना है और सूखने के लिए रख देना है। अब मैंने क्या किया है, वाइट वूलन ली है और इस तरह से एक गिठान लगा के हमें आड़े तिरछे जिस तरह से भी हमें उनको घुमाना है, इस तरह से एक हमें टेक्सचर देना है। ये देखिए, हमने फटाफट फटाफट उनको लपेट दिया है, जैसे उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे भी करके आपको लपेटना है। ये देखिए, हमने लपेट लिया है। अब इसके बाद हमें फेविकॉल लेना है और पानी मिलाकर इसको थोड़ा सा हमें लिक्विड बना लेना है, और फिर इसके अंदर हमें वॉल पुट्टी ऐड कर देनी है, और वॉल पुट्टी का हमें एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला। और अब स्पंज के ब्रश की सहायता से हमें पूरे बैलून पे इस तरह से ये डो हमें लगा देना है। इस तरह से मैंने पूरे पे ये डो लगा दिया है, और जहाँ मुझे लग रहा है कि वो स्पंज नहीं पहुँच रहा है, वहाँ हमने ब्रश की सहायता से लगा दिया है। और अब हमें इसे सूखने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर हम देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब इसके ऊपर जो मुंह है इसका, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसके ऊपर हमें रेशम की डोरी से इस तरह से ग्लूगन की सहायता से गोल गोल करके लगा देना है। ये हमने चार राउंड बनाने हैं, तीन हमें इस तरह से लेना है और एक एक डोरी के ऊपर एक डोरी और लेनी है। और अब नीचे की साइड ये जो हमारा बॉक्स था कार्डबोर्ड का, इसके ऊपर भी हमें चारों तरफ बाउंड्री बना देनी है इस डोरी से।
ये देखिए मैंने इस तरह से चारों तरफ किनार पे हमें डोरी की बाउंड्री बना लेनी है। ये देखिए अब हमें ऊपर की तरफ से एक डोरी और लेनी है और नीचे की तरफ इस तरह से लगानी है ताकि ऐसा लगे कि इसने कोई ड्रेस पहन रखी है। दो आगे की तरफ और दो ही पीछे की तरफ हमें इस तरह से मोटी डोरी है ये, इसको हमें अटैच कर देना है। ग्लू गन की सहायता से ही करना है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि कोई ड्रेस पहन रखी है। अब हमें अखबार लगा करके इसके ऊपर हमें ब्लैक कलर कर देना है। ब्लैक कलर में थोड़ा सा पानी मिला दिया है ताकि हमारा ब्रश स्मूथली चले और कलर सब जगह पहुंच जाए, क्योंकि टेक्सचर में कलर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा पानी मिला लेने से ये सब जगह पहुंच जाता है। देखिए हर जगह हमने ब्लैक कलर कर दिया है। अब हमें ब्लू कलर लेना है और स्पंज की सहायता से हल्के हल्के टेक्सचर स्पंज की सहायता से लगा देने हैं। फिर थोड़े से हमें ग्रीन कलर के भी लगा देने हैं। इस तरह से हमें कलर आगे पीछे दोनों साइड में लगा देने हैं। ये कलरफुल टेक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हमें रेड कलर से भी कर देना है, थोड़ा रेड कलर भी आ जाएगा इसमें, मल्टी कलर का बनकर तैयार हो जाएगा ये चारों तरफ। अब हमें ब्रश की सहायता से, इतनी देर हमने स्पंज की सहायता से किया और अब हमें ब्रश की सहायता से गोल्डन कलर कर देना है। कहीं कहीं जगह छोड़ के कहीं जगह हमें कर देना है, तो सारे कलर ही उभर कर दिखेंगे और एक नया सा टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए गोल्डन कलर का लुक भी आ गया, थोड़ी शाइनिंग भी आ गई है। अब ये देखिए मेरे पास एक पॉट रखा हुआ था जो नर्सरी में प्लांट डालकर हमें मिलता है, तो ये ब्लैक कलर का था तो इसे मैंने येलो कलर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम इमोजी तैयार करेंगे। तो मेरे पास ये आउटलाइनर पड़ा था तो इसी से ही मैंने आईज़ वगैरह सब बनाए हैं, नोज़ लिप्स वगैरह, ताकि ये थोड़ी उभर कर आए और ये बहुत सुंदर सा लुक आए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के वेस्ट मटेरियल को भी हमें फेंकना नहीं है, इन्हें भी हमें यूज़ ले लेना है। देखिए हम किसी भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं, मैं हर चीज़ को संभाल कर रखती हूँ ताकि कभी भी हमारे ये काम आ सके। इस तरह से हमें आईज़ नोज़ वगैरह सभी बना देने हैं। ये आउटलाइनर से बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है। ये हमने इसके होंठ की भी आउटलाइनर बना दी है। अभी इस साइड की तरफ हमें वाइट कलर करना है आईज़ में, दोनों आईज़ में हम कर देंगे वाइट कलर। बीच में हमें एक लाइन में हमें ग्रीन कलर करना है और आगे की साइड हमें ब्लैक कलर करना है। अब हमें होंठ में लाल कलर कर दिया है। अब आप लोग देखिए इमोजी कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। अब ये वाला हमें इसके ऊपर रख देना है। हमारा प्लांटर बनकर तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करने से ही पता चलता है। ये देखिए मैंने
मेरे पोर्च में एक कॉर्नर में इसको स्टूल के ऊपर रख दिया है। पास में कुछ मनी प्लांट्स और प्लांट्स रख दिए हैं, तो ये कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।